हैं उत्तम शुगर मिल के जीएम नरपत सिंह जी, और उत्तम शुगर मिल यहाँ पर लग जाने से यहाँ का काफ़ी प्रोग्रेस हुई यहाँ के एरिया की, तो बहुत अच्छी बात है कि इन्होंने ये मिल यहाँ पर, इसके प्रबंधक हैं ये, तो आइए इनसे बातचीत करते हैं। तो सर, आज आप यहाँ पर एक छोटे से ग्राम में आए हुए हैं, किसानों से आपका लगातार संपर्क रहता होगा, तो आपको कैसा लग रहा है आज? हमें बहुत अच्छा लगता है कि जब हमारे किसान, हमारी मिल क्षेत्र से किसान जी अच्छा उत्पादन करें तो उससे चीनी मिल को भी फायदा होता है, किसान को भी फायदा होता है। जब मैं यहाँ आया था उत्तम चीनी मिल ने तो 62 लाख कुंटल गन्ना चीनी मिल पेरती थी, आज इन्हीं किसानों ने उत्पादन बढ़ाया और हमने भी फैक्ट्री की क्षमता बढ़ाई, तो आज हम 1,45,00,000 पिछले साल पेरे, इस साल 1,50,00,000 पेरने की उम्मीद करते हैं, तो मतलब 500 करोड़ रुपये का गन्ना मूल्य जाएगा, तो जब गाँव में वो पैसा जाएगा तो खुशहाली संभव है। और हमारी भी खुशहाली इसलिए है कि सरकार की पॉलिसी से एथेनॉल बन रहा है, डिस्टिलरी लगा दी, नहीं तो पहले केवल चीनी पे निर्भर थे, अब चीनी से हम एथेनॉल बना रहे हैं, चीनी कम बना रहे हैं, तो उससे किसानों को भी फायदा कि हम पेमेंट, पहले पुराना पेमेंट देने में ही दिक्कत होती थी, नया चीनी बनती तब देते थे, अब है कि पुराना पेमेंट पहले ही क्लियर हो गया और नया पेमेंट 90 और 91% पर चल रहा है, जो कि हम 50% भी नहीं दे पाते थे। तो ये इस तरह के किसान अगर खेती करेंगे और अच्छा गन्ना उत्पादन होगा तो चीनी मिल और किसान दोनों ही खुशहाल होंगे। जी, तो आप लगातार गन्ने के छेद से जुड़े रहते हैं, तो गन्ना उत्पादन बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए किसानों को? गन्ना उत्पादन के लिए हमने पूरा एक डेवलपमेंट डिपार्टमेंट है, जिसके हमारे GM अरविंद जी यहाँ पर हैं, डॉक्टर हैं, और उनके नीचे 35 आदमी जी को हर एक को अलग अलग सर्किल्स बांट रखे हैं। नई तकनीकी का बीज हम करनाल से, कोयम्बटूर से ला करके पौध तैयार करके किसानों को दे रहे हैं कि भाई ये वैरायटी ख़राब हो जाए तो ये वैरायटी लगानी है, ये वैरायटी ख़राब हो जाए, और उसके साथ साथ हम डिस्टेंस प्लांटिंग करा रहे हैं कि 4 फीट पे गन्ना बोया जाए, जिससे कि उसको हवा पानी सब मिलता रहे, जिससे उसकी उपज बढ़ सके। तो ये प्रयास हमारा डेवलपमेंट डिपार्टमेंट में 35 आदमी अलग से विभाग है, बाकी चीनी मिलों में नहीं होता अलग से विभाग, पर यहाँ पर उत्तम चीनी मिल में एक अलग डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है कि जो गन्ना विकास का ही कार्य करता है, और कोई कार्य नहीं उसके पास में, तो इससे दोनों का सहयोग से बहुत अच्छा कार्य।